किससे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं मौके तलाश करता हूँ कि आदमी को कहाँ सुना जाएगा पढ़ा पढ़ा। जैसे मैंने अर्ज किया था कि यहाँ यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कहीं छूटे घटते हों तो सच्चा टूट जाता है। उन्हीं का एक और शेर है कि कील पर टोपी के बदले टाइयाँ आ जाएगी। ये जो जनरेशन गैप है, कील पर टोपी के बदले टाइयाँ आ जाएगी। बाप के कमरे में जब बेटे का नंबर आएगा, मैं अफसोस से दरखास्त करता हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज दें। तालियों से इस्तकबाल कीजिए हफीज़ साहब का, मेरे बड़े मोहतरम बड़े मोतबर शायर हफीज़ साहब। शुक्रिया जी भाई। रात रहने का तो वही है, इस वक्त तो तारा दम होते हैं। सुनाइए, देखिए मैं शेर हाजिर करता हूँ। देखिए मतलब शेर यू है, क्या बताएं लौटकर परदेश से क्या लाए, क्या बताएं लौटकर परदेश से क्या लाए, क्या बताएं लौटकर परदेश से क्या लाए हैं। घर से बचपन ले गए थे और पापा, अरे क्या कह रहा है, क्या बताएं लौटकर परदेश से क्या लाए हैं। घर से बचपन ले गए थे, घर से बचपन ले गए थे और बुढ़ापा लाए, क्या कहना है, क्या कहना है, बचपन ले गए थे और बुढ़ापा, क्या कहना है। क्षेत्र में दोस्तों देख ले तेरी सहाबत किस कदर मशरूक है, देख ले तेरी सहाबत किस कदर मशरूक है, देख ले तेरी सहाबत किस कदर मशरूक है। ये भिखारी भी का बर्तन भी छोटा है, बहुत अच्छा देख ले तेरी सहाबत किस कदर मशरूक है, देख ले तेरी सहाबत किस कदर मशरूक है। शंका गिरफ्त मशरूक शंका वो वाला, वाह वाह वाह, देख ले तेरी सखावत किस, क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। ये बिताई भी का वतन छोटा ना है, क्या कहना है, क्या कहना है। ये बिताई भी का वतन छोटा ना है, फजल का मतलब शेर सुनाया दोस्तों। अर्ज करता हूँ के खुला इलाज कि ये जिंदगी भी होती है, क्या कहना, खुला ये रास कि ये जिंदगी भी होती है, खुला ये रास कि ये जिंदगी भी होती है, बिछड़ के तुझसे हमें खुशी भी होती है, बहुत अच्छा, खुला ये रास कि ये जिंदगी भी होती है, बिछड़ के तुझसे, बिछड़ के तुझसे हमें अब खुशी भी होती है। और वो फोन करके मेरा हाल पूछ लेता है, तो फोन करके मेरा हाल पूछ लेता है, क्या कहना, नमक हरामों की कटाई हमारे नाम पे जलने लगा है वो जब से, हमारे नाम पे जलने लगा है वो जब से, हमारे नाम पे जलने लगा है वो जब से, तमाम शहर में अब रोशनी भी होती है, बहुत अच्छा, हमारे नाम पे जलने लगा है वो जब से, क्या कहना है, क्या कहना है, तमाम शहर में अब रोशनी भी होती है, रोशनी भी होती है। पता ये है दोस्तों, बहुत अच्छा है, कि गुलाम जिले इलाही के घर में आने लगा, गुलाम जिले इलाही के घर में आने लगा, गुलाम जिले इलाही के घर में आने लगा, सफीने वालों सफीना भवन में आने लगा, बहुत अच्छा है, गुलाम जिले इलाही के घर में आने लगा, सफीने वालों सफीना भवन में आने लगा। और उसे अपने दोस्तों के खुदा पनाह में रखे शरीफ लोगों को, खुदा पनाह में रखे शरीफ लोगों को, खुदा पनाह में रखे शरीफ लोगों को, खराब आदमी अच्छी खबर में आने लगा, बहुत अच्छा है, खुदा पनाह में रखे शरीफ लोगों को, खराब आदमी अच्छी खबर में आने लगा, खुदा पनाह में रखे शरीफ लोगों को, क्या कहना है, खराब आदमी अच्छी खबर में आने लगा, क्या कहना है, क्या कहना, क्या कहना, तेरे ख्याल ने हाँ इतनी सहूलतें दे दी, तेरे ख्याल ने इतनी सहूलतें, तेरे ख्याल ने इतनी सहूलतें दे दी कि मंजिलों का मजा भी सफर में आने, बहुत अच्छा है, तेरे ख्याल ने इतनी सहूलतें दे दी, बहुत अच्छा है, तेरे ख्याल ने इतनी सहूलतें दे दी, क्या कहना है, कि मंजिलों का मजा भी सफर में आने लगा। एक मतलब तो जो और सुनाना चाहता हूँ, मतलब ये है दोस्तों के हाय क्या क्या लोग थे उससे कहानी हो गई, हाय क्या क्या लोग थे जिससे कहानी हो गई, हाय क्या क्या लोग थे
कहानी हो गए, जिनका साया था सरोवर जहानी। बहुत अच्छा है, आए क्या क्या लोग थे उससे कहानी हो, उससे कहानी हो गए, जिनका साया जिनका था साया था सरोवर आ जहानी हो, आ जहानी हो गए। क्या शेर सुनाना चाहता हूँ, खास तौर पर नजर दीजिए कि जिंदगी को अपने अपने तौर पर सबने किया, जिंदगी को अपने अपने तौर पर सबने जिया, जिंदगी को अपने अपने तौर पर सबने लिया, मिट गया कुछ का निशान और कुछ निशानी हो गया, जिंदगी को अपने अपने तौर पर सबने जिया, मिट गया कुछ का निशान और कुछ निशानी हो गए, और मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर, मैंने सहरा की जमीनों को समंदर कर दिया। क्या कहना है, मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। बहुत अच्छा, मैंने सहरा की जमीनों को क्या कहना समंदर कर दिया, मुझसे मिलकर मेरे दुश्मन पानी पानी हो गए। क्या कहते हैं शेर और सुनेर जी, दोस्तों मुलाजा कीजिए, मसला अर्ज किया है कि हमारी एक यही आदत बुरी नहीं जाती, हमारी एक यही आदत बुरी नहीं जाती, हमारी एक यही आदत बुरी नहीं जाती कि मुफलिसी में भी दरिया दिली नहीं जाती, हमारी एक यही आदत बुरी नहीं जाती, हमारी एक यही आदत बुरी नहीं जाती कि मुफलिसी में भी दरिया दिली नहीं जाती। शेर सुने दोस्तों के नया तरीका निकाला है उसने रोने का, नया तरीका निकाला है उसने रोने का, नया तरीका निकाला है उसने रोने का, अब उसके होठों से दिल भर भी नहीं जाता, बहुत अच्छा है, नया तरीका निकाला है उसने रोने का, नया तरीका निकाला है उसने रोने का, अब उसके होठों से दिल भर हंसी, अब उसके होठों से दिल भर हंसी नहीं जाती, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब कुछ अहले जब्त की जरूरत से कुछ अहले जब्त की मजबूरियां भी होती है, कुछ अहले जब्त की मजबूरियां भी होती है, कुछ अहले जब्त की मजबूरियां भी होती है, हर एक शख्स को आवाज ही नहीं जाती, कुछ अहले जब्त की मजबूरियां भी होती है, हर एक शख्स को आवाज ही नहीं जाती, हर एक शख्स को आवाज ही नहीं जाती। क्या अच्छा शेर कहते हैं आपने बाबा, यही तो होता कि अपनी नजर से गिर जाते हैं, यही तो होता कि अपनी नजर से गिर जाते, नसीब सोच मगर नौकरी नहीं जाती, अरे क्या यही तो होता कि अपनी नजर से, क्या कहना है, क्या कहना है, यही तो होता कि अपनी नजर से गिर जाते, दावजा निकाला आपने कि संघर्ष से सोच मगर नौकरी नहीं जाती, ये भाई कोई शादाब चाहते हो तो नीचे वो भी मुलाजा कर ले, अर्ज किया है कि अब और कितना तेरे घर का एहतराम करूं, अब और कितना तेरे घर का एहतराम करूं, अब और कितना तेरे घर का एहतराम करूं, तुझे करूं तेरे बच्चों को भी सलाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुझे करूं तेरे बच्चों तेरे बच्चों को भी सलाम करूं, और मेरी बारात में सबने शराब पी ली है, बहुत अच्छा शेर याद सुनो शेर बाबा, मेरी बारात में सबने शराब पी ली है, मैं होश में हूँ तो किसी से सलाम करूं, जिसे मैं चाय पिलाऊं उसी को जहर भी दूं, अच्छा जिसे मैं चाय पिलाऊं उसी को जहर भी दूं, अब ये खास से कैसे ये दोनों काम, बहुत अच्छा, अब ये खास से कैसे ये दोनों काम, जिसे मैं चाय पिलाऊं उसी को जहर भी दूं, अब ये खास से कैसे ये दोनों काम, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, आप बता सकते हैं सुनने तो मैं कुछ और हासिल करता हूँ, कोई तो बात है बाकी गरीब खानों में, अच्छा कोई तो बात है, कोई तो बात है बाकी गरीब खानों में, क्या कहना है, मगर ना जिले इलाही अभी बताऊ,
बहुत अच्छा है, वही तो बात है बाकी गरीब खानों में। हाँ बगरना जिले इलाही और बगरना जिले इलाही और इन मकानों में बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों के महाजरों को पता है आजाद बदर महाजरों को पता है आजाद बदर बदरी हयात काटनी पड़ती है शाम जानो महाजरों को पता है आजाद बदर बदरी आजाद बदरी पंजाबों की तरफ महाजरों को पता है आजाद बदर बदरी क्या कहना है क्या हयात काटनी पड़ती है शाम जानो में क्या कहना है ये जाके कौन बताए शरीफ जादों को ये बातें कौन ये जाके कौन बताए शरीफ जादों को खताएं पलती हैं अब तक के दिन ये जाके कौन बताए शरीफ जादों को ये जाके कौन बताए शरीफ जादों को खताएं पलती हैं अब तक के दिन खातों में और हमारे खून से बनती है सैकड़ों चीजें हमारे बच्चे मुलाजिम है कहा था बहुत अच्छा सामने हम एक दोस्त है बहुत खूबसूरत दबले जी की बड़ी खूबसूरत दोस्त हजार तो यही था हमारे दोस्तों इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब और मेहमान जीविकार रहे जनाब संजय सिंह एसडीएम चांदपुर। दोस्तों ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अथर आजमी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें, क्यों आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए देश दुनिया से।